सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं देखिए सरस ढाबा, और सरस ढाबा का ये जो रूप दिख रहा है वो पीछे से दिख रहा है। मीना दीदी लोग सब आ रखे हैं बागबहार, गौरव भी आ रखा है, मोनू भी आया हुआ है, और देखिए यहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है, सामने पहाड़ बेहतरीन। तो सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं और मीना दीदी लोग का आना हो गया था रायगढ़ से बागबहार, लेकिन उस टाइम का मैं फुटेज ले नहीं पाया, और फिलहाल ये हम लोग का जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है वो सीधे सरस ढाबा से स्टार्ट हो रहा है। सुबह हम लोग उठे 5 बजे, नहाए धोए, हालांकि मैं नहाया और बाकी सब ब्रश रस करके रेडी है, मतलब टेम्परेरी तरीके से थोड़ी देर में जाके नहाएंगे, और सुबह सुबह लाल चाय पीने के लिए हम लोग आ गए हैं सरस ढाबा। और सरस ढाबा का ये पीछे का रूप दिख रहा है आप लोग को, और सामने है पहाड़, और यहाँ पे देखिए मीना दीदी अपने पुराने समय को याद कर रही है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत साल बिताई हुई है बागबहार पे, और साथ में है पूनम भी, और उस बिताए हुए पल को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, और उसी प्रकार का जो अनुभूति था वो इनके अंदर डालने का प्रयास कर रही है मीना दीदी। क्या सुर हिंदी है, वाह वाह। तो फिलहाल हम लोग आए हुए हैं घास के पास, बहुत आनंद आ रहा है, और मजा आ रहा है ना बागबहार में, खूब मजा आ रहा है। तो बागबहार जगह ही ऐसा है, इनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भाई ये बागबहार का जो एरिया है वो इतना ज्यादा हरियाली से भरा हुआ है, क्योंकि अभी जैसे जैसे पानी बरस रहा है, स्टार्ट हुआ है पानी बरसना, प्रकृति की गोद में बसा हुआ स्पेशल गांव, स्पेशल गांव। और पीछे जो पहाड़ है ना वो तो बचपन की पुरानी यादें ताजा हो गई। सही है, तो बस अभी यादें ताजा करते करते वहां पे लाल चाय भी हम लोग का हो रहा है तैयार, नींबू डाला हुआ, तो चलते हैं। ये सब जगह के फिर वो नहीं, मतलब वो ना स्टॉप नहीं हुआ जाते अपने फीलिंग के अंदर का, ये सब जगह के अपन अगर ना चाहते भी नहीं है ना कि अपन ना करे तो सही बात है। मैं ब्लॉग करने का नहीं सोचा था, लेकिन जगह और यहाँ का स्थिति देख के ना जब चाहते मजबूर हो गया ब्लॉग स्टार्ट करना, यहाँ पर आके अंदर का फीलिंग बाहर आ जाता है। और उधर पे चल रहा है फोटो शूट, हालांकि मीना दीदी गौरव मोनू लोग को आए हुए यहाँ पे हो गए हैं 2 दिन, लेकिन मैं ब्लॉग चालू नहीं कर पाया था क्योंकि दुकानदारी के कारण जो है ना मन नहीं कर रहा था ब्लॉग स्टार्ट करने का, पता है। मैं सोच रहा था कि कहीं उस टाइप का जगह हम लोग जाएंगे ना, अभी है नहीं तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर हो गया था, तो इसलिए छोड़ते ही नहीं, इस वजह से मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, कैसे गाड़ी रुकी, कैसे घर पहुंचे, कैसे हम लोग समय बिताए, वो सब कुछ भी नहीं बनाया हूँ। लेकिन देखिए माहौल बनते ही, माहौल दिखते ही, जैसे ही अपने दिमाग को कनेक्ट किए हम लोग इस माहौल से, ब्लॉग स्टार्ट हो गया। और गोलू भी अभी 2 दिन से नहीं है रायगढ़ की तरफ, उन लोग सब घूमने जा रखे हैं सारी बहनों के साथ, निशा लोग के साथ, तो हम लोग हैं घर में, और गौरव लोग 1 दिन पहले आ गए थे यहाँ पे, कल ही तो आया तुम लोग, और अच्छा कल आए हैं, परसों आए हैं, परसों रात को आए हैं ताकि और अच्छे से हम लोग जगह को फील, आज निशा लोग सब आ जाएंगे घर, उसका देखते हैं कल का हम लोग का कहाँ प्लान बनता है कि क्या हो रहा है, कुछ भी कंफर्म नहीं है, कहीं जाने का प्लान हो रहा था हम लोग का लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। क्या मस्त दिख रहा है पीछे का सब कुछ, यार देखो ना मस्त यहाँ से, देखिए नजारों का आनंद लेती हुई हमारी मीना दीदी। तो कुर्सी भी यहाँ पे लग गया है, ले आते हैं इधर ही कुर्सी को, हर चीज सिस्टम से होना चाहिए, कुर्सी अगर इधर लगेगा ना तो दिमाग उतना नहीं खुलेगा जितना इधर लगेगा खुलेगा। और बाबा का हालचाल, कुशल मंगल, नींबू मेरा से नहीं है तो क्या करें, थोड़ा नींबू नहीं था क्या, हाँ लेकिन सर हर नींबू है ना, डाल दिए चलेगा। पीछे बैकग्राउंड में बादल का सुंदर आज वास्तव में पोहा बड़ा टेस्टी लग रहा है, पहली बार मेरे को पोहा इतना टेस्टी लग रहा है, पता नहीं क्या कारण है, इस पर मेरे को लगता है ना कुछ अलग आइटम तो डाले हुए हैं। एक तो ये है कि पोहे में ये कच्चा प्याज डाला हुआ है, ये मूंगफली है, नीम का पत्ता है, मीठे नीम का पत्ता, और पता नहीं क्या डाला, हाँ मतलब आलू भी है, आलू भी डाला हुआ है, मतलब उबाला हुआ आलू को, और नींबू के रस टपकाए हुए हैं ऊपर से,
और सेजू यहाँ पे कूलर चालू कर दी। और सेजू क्या हालचाल? ठीक हालचाल। ठीक हालचाल। और कुछ विशेष मुद्दा चल रहा है तेरे दिमाग में? कुछ नहीं है मेरे दिमाग में। कुछ नहीं चल रहा, बाद में चलेगा। तो सुबह सुबह जैसे ही हम लोग दुकान खोलते हैं, हम लोग को बाहर की जो साफ सफाई ना, ये वाला हिस्सा, इसमें लगभग एक घंटा लग जाता है। कारण ये रहता है कि आसपास की जितनी भी गायें हैं वो सब रात्रि विश्राम यहीं पर करती हैं, जिसमें कि जो गोबर वगैरह किया हुआ रहता है, गौमूत्र रहता है, वो सब साफ वाफ करते करते टाइम लग जाता है। लेकिन बहुत ही शुभ और पवित्र सा लगता है ये चीज़ करना। मतलब जितना भी टाइम लग जाए सफाई में अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सारी गौ माताएं जो है आसपास की, वो सारी की सारी यहीं पे इकट्ठी होती हैं और मस्त जुगाली करती रहती हैं, रात भर अपना समय व्यतीत करती हैं। तो फिलहाल सुबह के 7:30 बज चुके हैं, हम लोग दुकान ओपन कर चुके हैं, सेजू भी सुबह सुबह ड्यूटी देने लग गई है और गोलू लोग चंद्रपुर पहुँच चुके हैं। और चंद्रपुर जैसे ही उन लोग पहुँचे, चंद्रपुर में बहुत ही भव्य नदी है, महानदी, महानदी में मस्त एकदम गोता लगा रहे हैं, मस्त नहा रहे हैं, गजब का उतर के नीचे। मैं बताऊं मेरे को क्या क्या दिखाने आता है? क्या क्या? तो ये फल और धागा जानती है। तो सेजू को नेल पॉलिश दिखाने आता है, फल दिखाने आता है और धागा दिखाने आता है। और कुछ दिखाने नहीं आता है सेजू? और रबड़, मेहंदी और क्लिप। तो बढ़िया है, धीरे धीरे इन लोग सीख जाएंगे ना। तो भीड़ भाड़ भी जब होगा ना बाजार वगैरह के दिन, तो कम से कम ये छोटे मोटे चीज़ों को दिखा के काम के बोझ को हम लोग किसी से थोड़ा सा कम करेंगे बच्चे लोग। और ज़रूरी है थोड़ा 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 ज्ञान रखना इन सब चीज़ों के बारे में। तो क्या है कि इंसान ये सब चीज़ों को जब बेचना चालू करता है ना, तो उसे हर चीज़ की अहमियत पता चलती है कि पैसा कैसे कमाया जाता है और मार्जिन कैसे लेते हैं, बेचने का टेक्निक क्या है। यह सब स्टार्टिंग से ही बेचने का जो है तरीका इनको आने लग जाएगा ना, तो जीवन के कई मोड़ पे यह सब जो हमारे अनुभव रहते हैं वो काम आते हैं। समझे से जो डॉल सब दिखाने आता है। और जब कोई नई लेते रहते हैं तो उसको समझाने भी जानती है कि नहीं जानती? और सीख जाएगी। बड़ा अच्छा लगता है, भगवान एक अच्छा किस्मत दिया है कि घर के पास ही हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जीवन चल जा रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से जीवन चल रहा है। बैठे बैठा है बढ़िया कमाई का जरिया भगवान ने हमें प्रदान किया है, बजरंगबली जी ने हमें प्रदान किया है। और करने वाले तो कितना मेहनत कर करके कमाते हैं तो भी हो नहीं पाते। और यहाँ ये सब बात करते करते ही हमारे गुप्ता जी पहुँच गए हैं, पिंटू गुप्ता जी। और पिंटू गुप्ता का सुपुत्र देखिए, मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ हमारे दुकान में प्रवेश किया है। एठो खाली कपला सेजू, एक खाली कपला। तो ये है हमारे गुप्ता जी का सुपुत्र छोटे गुप्ता जी, पिनटवा पुत्र। गौरव, तो गौरव भी पहुंच गया है नहा धो के, नाश्ता वगैरह करके मजा रहा है। गौरव को शहर से गांव का वातावरण जो है मजा रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है ये। देखो तो जाने का मन नहीं कर रहा है, इधर आपका ब्रेक चाहिए, इधर आके ऐसे अच्छा फील होता है। कितना दिन का ब्रेक? 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितना ब्रेक ले लो यार, जितना फ्री हो सको अपनी लाइफ से 4-5 दिन ब्रेक लेके आओ, बढ़िया गाओ, अपना मस्त इंजॉय करो, फिर जाओ बढ़िया एकदम फ्रेश होके। सही बात है। तो पिछले बार जब गौरव आया हुआ था तो इसको मैं क्या है कि यहाँ पे समय नहीं दे पा रहा था, घुमा नहीं पा रहा था, तो हमारे गुप्ता जी इसको पूरा जंगल का यात्रा करा दिए, क्योंकि इसका जो सहारा वाला काम है वो जंगल जंगल होते हुए कई लोगों के पास ये जाता है पैसा इकट्ठे करने के लिए, और जाके पैसा इकट्ठा कर रहे हर जगह से। मैं बोला वाह भाई, वो जंगल झाड़ मस्त घुमाया है, घुमा दिया इसको, परेशान करते हुए घुमा के भी लाते बढ़िया। तो शाम के बज चुके हैं 4, तो स्वामी लोग भी आ गए हैं, अभी अभी उनका फोन आया था कि गेट खुलवा दोगे। तो बच्चों के आते ही देखे
पूरा का पूरा माहौल गर्मा गया। और अभी कुछ ही समय हुए थे कि ये लोग आए हुए थे घर, और यहाँ पे आते ही फिर से प्लान बन गया है सभी का मैनी नदी जाने का। तो सभी तैयार हो रहे हैं, शाम के बज चुके हैं 5। कुछ ही देर में हम लोग निकल जाएंगे मैनी नदी के लिए। प्याज को भी निकालना पड़ेगा कि हो जाएगा? तो पल में 16 पल में सबनम, सामने मौसम का उग्र रूप देखिए। जैसे ही हम लोग निकले मौसम एकदम ठीक ठाक था, हल्का हल्का हवा चल रहा था, लेकिन अभी झमाझम बारिश। हम लोग निकल तो गए थे लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि हम मैनी नदी की तरफ जाएं कि वापस हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पानी इतने जोर की बरस रही है ना कि हम लोग को लग रहा है कि वहाँ पहुँचने के बाद गाड़ी में ही रहना क्यों ना पड़ जाए। यहाँ तो पेड़ ही गिर गया, अब करें तो करें क्या।